जब मैंने पहली बार प्लान किया, मैं एक्चुअली बचपन से एक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन फाइनली मैं एक्चुअली जॉब करता था मार्श एंड मैकलेनन करके एक कंपनी में, इट्स अ फॉर्च्यून 200 कंपनी। मैं जॉब करते 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 मैंने सोचा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, चलो ठीक है जॉब के साथ साथ आई विल गो एंड गिव ऑडिशन एंड आई विल गेट सिलेक्टेड, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज यू कांट सेल ऑन टू बोर्ड्स एट द सेम टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब क्विट करनी पड़ेगी, तो मैंने फाइनली जॉब क्विट की बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज काफ़ी गट्स चाहिए, क्योंकि एक बार ही आपको महीने की सैलरी की आदत लग जाए तो आप छोड़ नहीं पाते। तो मैंने किसी तरह से अपने माइंड को कन्विंस करके, या जो भी सर्कमस्टेंसेज बने, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया था, उसने मुझे कुछ इंस्पायर किया, अपने दोस्त से इंस्पिरेशन लेके मैंने जॉब छोड़ दी और आ गया मैं इस फील्ड में। तो मेरी मॉम काफ़ी अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तू एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के कैसे जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ 4 साल मैंने सिर्फ ऑडिशंस दिए, कुछ 1200 ऑडिशंस दिए, और ऑडिशंस देने के बाद प्रैक्टिस हुई, इवॉल्व हुआ, फिर मैं यहाँ पे अभी फाइनली किसी तरह से आ गया हूँ और ये कर रहा हूँ और यहाँ से भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ।